सीटों के तबादले को लेकर डोटासरा के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने पलटवार किया है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि आपकी पर्ची तो बिरला ऑडिटोरियम में सम्मानित होने वाले शिक्षकों से तब के मुख्यमंत्री जी ने निकलवा दी थी डोटासरा जी, और वैसे आपके राज में जो तबादला उद्योग चलता था 5 साल में एक एक अधिकारी के 15-15 बार तबादले कर दिए थे, तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के फूल नहीं सूखते थे। ओहो, वो वैसे सूखेंगे, वो तबादले तो सुविधा शुल्क के साथ होते थे। और इस बीच श्रीगंगानगर के सादुल शहर से बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बता दें दरअसल युवक की मौत पर लोगों का गुस्सा अब तेज होता जा रहा है। परिजनों और ग्रामीणों का अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। युवक के शव का पोस्टमार्टम कराने से ही इनकार कर दिया गया है परिवार वालों की तरफ से। नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने की लगातार मांग की जा रही है। नशे की ओवरडोज से युवक की मौत हो गई थी। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, समझाइश का दौर जारी है, लेकिन परिवार है कि वो मानने को तैयार नहीं, वो पीछे बैक स्टेप लेने को तैयार नहीं, पोस्टमार्टम के लिए मना किया जा रहा है। तस्वीरें आपको श्रीगंगानगर के सादुल शहर से दिखाई पड़ रही है। यही वो सब लोग है, ग्रामीण के साथ परिवारजन है, पुलिस वहां पर मौजूद है, समझाइश का दौर जारी है, लेकिन पोस्टमार्टम कराने के लिए मना किया जा रहा है। बता दें कि नशे की ओवरडोज से शख्स की हो गई थी मौत, और नशे के कारोबारियों पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, बड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए। अशोक, क्या अभी वहां पर अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्या मान के परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए हैं? देखिए बिल्कुल श्रुति, कुछ देर पहले ही पुलिस की समझाइश आखिरकार काम आई, और परिजनों के साथ साथ जो स्थानीय वासियों के द्वारा सादुल शहर उप जिला अस्पताल में धरना दिया जा रहा था वो धरना उठा लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भी सहमति दे दी है। लेकिन सबसे खास बात, इसके साथ साथ धरनार्थियों ने पुलिस से ठोस आश्वासन भी लिया है कि जल्द ही क्षेत्र में जो नशे का काले कारोबार करने वाले लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जाए ताकि नशे के दलदल में फंस रही युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीने के दौरान ही तकरीबन एक दर्जन लोग, खासतौर से युवा जो लोग थे, वो नशे की ओवरडोज की वजह से काल का शिकार हो चुके हैं। क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की अनदेखी के चलते नशे का कालो कारोबार पूरी तरह से फल फूल रहा है, तो यही एक वजह थी कि इस समय लोगों ने काफी आक्रोश दिखाया, गुस्सा दिखाया, क्योंकि बीती रात भी एक युवक जो महज 21 साल का ही था नशे की ओवरडोज की वजह से काल का शिकार हो गया। और फिलहाल अभी ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो आखिरकार पुलिस ने समझाने की कोशिश की, अब परिवारजन मानकर पोस्टमार्टम के लिए हो गया है तैयार। अब बात राज्यसभा के आज हो रहे मतदान की कर लेते हैं, क्योंकि राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है, और इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं, कर्नाटक की 4, तो हिमाचल प्रदेश की 1 सीट है, उसके लिए मतदान हो रहा है। और इससे पहले राज्यसभा की 41 सीटों के लिए सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 8 भाजपा और 3 समाजवादी पार्टी के हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के 8 एमएलए अखिलेश यादव से दूरी बना ली है उन्होंने। अखिलेश से दूरी बनाने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। वोटिंग के बाद कुछ समाजवादी पार्टी विधायकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। इसी से अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है राज्यसभा चुनाव में। और वहीं राज्यसभा में वोटिंग के पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज पांडे भी पिछले 2 दिनों से अपनी पार्टी के संपर्क में नहीं थे। मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बड़ी खबर कि अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लग चुकी है, और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए बीजेपी अपनी पहली सूची मार्च के पहले सप्ताह में ला सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि चुनाव के लिए पार्टी तैयार है, लिस्ट कब आएगी ये तो संसदीय बोर्ड ही तय करेगा, लेकिन देश पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार फिर भारी बहुमत से भाजपा को जिताएगी, पहली लिस्ट आ सकती है। इसके पहले ही 29 तारीख को वो डेट सुनिश्चित कर ली गई है, जब बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम आ सकते हैं। लेकिन क्या पहले मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही आ सकती है या फिर नहीं, यह आपको सुनाते सीपी जोशी ने और क्या कुछ कहा है। इसके लिए
अपना काम करती है और अभी जो पैरामीटर्स तय किए हैं हमारी प्रत्येक क्लस्टर लोकसभा विधानसभा और जिले में अपने अपने अलग अलग काम को लेकर अलग अलग कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तय हो गई और वो अपने इस काम में लगे हैं। चर्चाएं हैं कि 8-10 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार बदल सकती है, वहां पर जिताऊ नए ऊर्जावान चेहरे ढूंढे जा रहे हैं, तो कई लोग जो कई चुनाव जीत गए हैं तो उनकी जगह नए चेहरों को ला करके पार्टी मतदाताओं को साथ रखना चाहती है, इस बारे में किस तरह की खबरें हैं? देखिए ये तो सारी बात मैं इस बारे में जानकारी पहले नहीं दे सकता क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय होता है पार्टी का, सब लोग विचार विमर्श करके कोई निर्णय करते हैं तो उस निर्णय के बाद ही कुछ कह पाएंगे। संकल्प पत्र की तैयारी का काम भी चल रहा है और इस कड़ी में जनता के बीच में आप लोगों ने जाने का फैसला किया है, सुझाव पेटी का लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, तो जो मैनिफेस्टो बनेगा उसमें आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं? कोई भी योजना बनती है तो प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बनती है और मैनिफेस्टो बनाने के लिए भी हम फिर से तीसरी बार सरकार में आएंगे तो किन किन कामों को प्रायोरिटी देनी है तो पूरे देश भर की जनता से राय के आधार पर मैनिफेस्टो बनेगा तो राजस्थान में भी हमारी सुझाव पेटिका के माध्यम से सबके सुझाव लिए जाएंगे। ईआरसीपी और यमुना दल समझौता जो है वो ऐतिहासिक फैसला कराया आप लोगों ने, आपकी सरकार ने, लगता क्या है चुनाव में इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी जनता के बीच में? निश्चित रूप से दूसरी वो सरकारें थी जो चुनावी समय में कोई काम याद आता था, लेकिन ये सरकार ऐसी है जिन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहले 30 दिन के अंदर इस काम को प्राथमिकता के आधार पर निर्णय करने का काम किया और दूसरे माह में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करके इस काम को फाइनल कराया। यमुना जल समझौते की किसी ने कल्पना नहीं की थी, हरियाणा से बातचीत करके वहां मुख्यमंत्री से बात करके दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस काम को भी जो राजस्थान 30 वर्षों से इंतजार कर रहा था कि वो काम भी होगा उस काम में भी हरी झंडी। और वहीं झुंझुनू सीट पर बीजेपी उम्मीदवार बदलने की तैयारी करती दिख रही है। सांसद नरेंद्र कींचड़ के विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी अब उन्हें फिर से लोकसभा चुनाव में टिकट देने का जोखिम नहीं उठाती हुई दिखाई पड़ रही है। पार्टी किसी नए चेहरे पर दाम लगाकर जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहती है। रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू सीट पर बदलने वाला है उम्मीदवार, कईयों ने ठोका दावा, मेरे नाम पर हो विचार, हमारी बात पहुंचाइए श्रीमान, चुनाव में हम रचेंगे कीर्तिमान। आज भी अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो मैं इस बात का को इसका विश्वास दिला सकता हूं जनता को भी और पार्टी को भी कि मैं आज तक के जितने भी चुनाव हुए उन सब में से अधिक वोटों से जीत कर रिकॉर्ड तोड़ चुनाव जीतने की कोशिश करूंगा। हमसे अच्छा कौन है? हर्षिनी कुलहरी झुंझुनू सांसद नरेंद्र कींचड़ की पुत्रवधू हैं। हर्षिनी वर्तमान में झुंझुनू की जिला प्रमुख हैं। ससुर नरेंद्र कुमार सांसद होने के बावजूद मंडावा में विधानसभा का चुनाव हार गए। अब अटकलें हैं कि हर्षिनी को बीजेपी झुंझुनू से उम्मीदवार बना सकती है। मैं आपको बता दूं, हमारे अभी 17 और 18 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन था जहां पे हमें क्लियरली एक बात कही गई थी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रत्येक सीटों से और कमल का फूल हमारा चिन्ह है। झुंझुनू के वर्तमान सांसद नरेंद्र कुमार को विधानसभा चुनाव में रीटा चौधरी के आगे हार का मुंह देखना पड़ा, तब से ही सांसद नरेंद्र कुमार विरोधियों के निशाने पर है। पार्टी में भी झुंझुनू सांसद की पकड़ अब वो नहीं रही जो एक जमाने में हुआ करती थी, मगर पीएम मोदी की संकल्प यात्राओं को धरातल पर मजबूती प्रदान कर एक बार फिर सांसद महोदय टिकट की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कामयाबी की उम्मीद धुंधली है। अब जान लेते हैं कि आखिर झुंझुनू सीट पर बीजेपी परेशान क्यों। वर्तमान सांसद नरेंद्र कींचड़ मंडावा से विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में से 6 पर कांग्रेस का कब्जा है, जिनमें फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनू, सूरजगढ़, पिलानी, उदयपुर वाटी कांग्रेस के पास है। बीजेपी के पास सिर्फ नवलगढ़ और खेतड़ी विधानसभा सीट है। अब बीजेपी की ताकत समझिए। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत आखिरकार क्या है? बीजेपी के पास कांग्रेस के मुकाबले मजबूत काडर है। यमुना जल समझौते के बाद
झुंझुनू को पेयजल के साथ सिंचाई का पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसी मुद्दे पर वोट मांगेगी। डबल इंजन की सरकार के भरोसे झुंझुनू का किला एक बार फिर फतह करने की कोशिश करेगी। मोदी लहर से पार्टी को फिर जीत की आस है। यही वजह है कि पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए कई नेताओं ने मजबूत दावेदारी पेश की है। 1947 में आजादी मिली थी, लेकिन हम 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। विकसित भारत में एक नंबर पर भारत को लाना चाहते हैं। मोदी आने के बाद में हमारा भारत 5वें स्थान पर आ गया, 3रे स्थान पर आने वाला है। जैसा पार्टी आदेश करेगी, मुझे अगर पार्टी लोकसभा लड़ने को कहेगी मैं लड़ूंगी, मुझे पार्टी संगठन का काम करने को कहेगी मैं वो करूंगी, मुझे पार्टी बूथ का काम करने को कहेगी तो मैं वो करूंगी। आज भी अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो मैं इस बात का को इसका विश्वास दिला सकता हूं जनता को भी और पार्टी को भी कि मैं आज तक के जितने भी चुनाव हुए उन सब में से अधिक वोटों से जीत कर रिकॉर्ड तोड़ चुनाव जीतने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक ही लक्ष्य है कि दो बार से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत रही है, और इस बार भी ये लक्ष्य है कि 25 की 25 सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे। सीट का मार्जिन बढ़ा करके तब जीत जो है वह प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में वह 25 की 25 सीटें जाए। पार्टी के सामने कई विकल्प हैं, लेकिन इस बार वो तजुर्बे के साथ नए और ऊर्जावान चेहरों को मौका देना चाहती है ताकि युवा मतदाता उसके पक्ष में वोट कर सके। बीजेपी एक बार फिर मोदी सरकार का नारा बुलंद कर रही है। पार्टी ने सूबे की तमाम 25 सीटें जीतने का मकसद तय किया है और इसी कड़ी में पार्टी बड़े प्रयोग करने से भी नहीं हिचकेगी और जिन नेताओं की लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है उन्हें अब मैदान से बाहर करने से भी पीछे नहीं हटेगी। इसी कड़ी में कई नेताओं को टिकट कटने का खतरा सता रहा है और वो अपने टिकट बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मगर कॉन्फिडेंट बीजेपी आखिर क्या उनकी बात सुन पाएगी ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि हाल ही में पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ये बात कही थी कि चुनाव आयोग के अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए चर्चा की थी और इसके जरिए विशेष रूप से पहली बार वोट करने जा रहे युवाओं से अधिक संख्या में मतदान करने और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने की अपील भी की थी। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया में इस अभियान का एंथम सॉन्ग शेयर करते हुए पहली बार वोट करने वाले युवा मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने की अपील की है। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा, जिस चल पड़े हैं हम सबके कदम बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं। और अगली खबर अलवर से